नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं वर्णमाला से संदर्भित अपना चौथा लेक्चर। आप जानते हैं अभी तक हम लोगों ने जो तीन लेक्चर पढ़े हैं या जो तीन लेक्चर पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, इसके पहले वाले लेक्चर में आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग आभ्यांतर प्रयत्न के बारे में बात कर रहे थे और आभ्यांतर प्रयत्न को हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज मैं आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाऊंगा जिससे कि आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ, उसके बाद तब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने आपको ये बताया था कि जो वर्णों का आधार होता है, मैंने बताया था आपको वर्णों का आधार, जो वर्णों का आधार होता है वो तीन तरह का होता है। इसमें पहला है उच्चारण आधार और दूसरा मैंने आपको बताया था रीति, प्रयत्न या आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों का आधार, और तीसरा मैंने आपको बताया था वर्ण भेद। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि जो वर्णों का उच्चारण स्थान होता है वो कितना होता है, नौ होता है, इस पर हम बात कर चुके हैं। अगर कभी भी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्णों का उच्चारण स्थान कितना होता है या वर्णों का मूल उच्चारण स्थान कितना होता है या वर्णों के जो उच्चारण स्थान होते हैं वो कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा नौ, जबकि संस्कृत में ये आठ ही दिए गए हैं। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कौन कौन से हैं आपके वो नौ उच्चारण स्थान। पहला है आपका कंठ, दूसरा है ताल, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दंत्य, पांचवा है ओष्ठ, छठा है दंत्योष्ठ और सातवां है आपका नासिका, आठवां है आपका कंठ तालव्य और नौवां है आपका कंठ्योष्ठ। तो इन नौ के बारे में हमने बात कर लिया है और मैंने आपको बताया था कि रीत या प्रयत्न के आधार पर या आचार्य कामता प्रसाद गुरु के आधार पर जो वर्णों का विभाजन किया गया है वो दो तरीके से किया गया है, आभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो मैंने आपको ये बताया था कि आभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर ये चार होते हैं जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, और ये चार कौन कौन से हैं आपके। हाँ, गुड मॉर्निंग सपना जी, गुड मॉर्निंग सुमन जी, गुड मॉर्निंग सालू जी, नरसिंह जी, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि आभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्ण चार प्रकार के होते हैं और ये चार कौन कौन से होते हैं, विवृत, स्पृष्ट, इसत विवृत और इसत स्पृष्ट। इनके बारे में भी मैं चर्चा कर चुका हूं और आज हमें बात करना है बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी मैंने आपको बता दिया है कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, घोष और अघोष। आज हमें इसी पर चर्चा करना है और मुझे लगता है कि यहां तक आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाल मुकुंद जी, नरसिंह जी, हाँ सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो आइए आज हम बढ़ते हैं अपने इसी बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो ध्यान दीजिएगा, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों का विभाजन, अगर हम बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के विभाजन की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहला है आपका घोष वर्ण जिसे हम सघोष वर्ण के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है आपका
अघोष वर्ण। वास्तव में घोष का अर्थ होता है नाद उत्पन्न करना। घोष का अर्थ क्या होता है? नाद उत्पन्न करना। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर यंत्रियां एक विशेष प्रकार का नाद उत्पन्न करती हैं, वो घोष वर्ण कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर यंत्रियां एक विशेष प्रकार का नाद उत्पन्न करती हैं। अच्छा, जाने दीजिए नाद नहीं समझ पा रहे हैं, तो स्वर यंत्रियां कांपती हैं। कांपना तो समझते हैं ना, वाइब्रेट होना। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर यंत्रियां कांपती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। और आप जानते हैं प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण अंतस्थ व्यंजन। अभी हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व तथा उष्म व्यंजन का ह और सभी 11 स्वर, और सभी 11 स्वर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर यंत्रियां क्या होती हैं? कांपती हैं। जरा वर्गीय व्यंजन को आप समझ लीजिए। आप जानते हैं वर्गीय व्यंजन माने स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को हम उदित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, इसे हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने इसे स्पृष्ट वर्ण का भी नाम दिया है। तो ये संख्या में 25 हैं। तो ये कौन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में भी 5 हैं, च वर्ग में भी 5 हैं, ट वर्ग में भी 5 हैं, त वर्ग में भी 5 हैं और प वर्ग में भी 5 हैं। तो ये जो 5 हैं, जरा देखिएगा, जैसे क, ख, ग, घ और आपका अंग। तो जैसे ये है आपका, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका अंग है यहां पर। तो इसमें आप देखिए तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण आपका क्या होगा? घोष वर्ण होगा। इसका मतलब ग, घ, अंग इसमें क्या है आपका? घोष वर्ण है। इसी तरह से च, छ, ज, झ, ञ में तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण क्या होगा आपका? घोष वर्ण होगा। और इस तरह से ज, झ, ञ आपका क्या हो गया? घोष वर्ण हो गया। ट, ठ, ड, ढ, ड में ड, ढ, ड हो गया। त, थ, द, ध, न में द, ध, न हो गया। प, फ, ब, भ, म में ब, भ, म हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये 25 वर्गीय व्यंजन जो हैं, सॉरी 25 वर्गीय व्यंजनों की जो 25 ये संख्या है, इनमें 15 आपके क्या हैं? घोष वर्ण हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और उष्म व्यंजन का है और सभी 11 स्वर, ये सब घोष वर्ण कहलाते हैं। तो अगर इनकी संख्या की हम बात करें तो आप देखिए, पांतियाई 15, 15 चार 19, ह हो गया आपका 20 और 11 आपके क्या हो गए? स्वर। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 31 हो गई। परीक्षा में पूछा जाता है कि घोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा? 31 है। कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं घोष वर्ण के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया, तो इनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर यंत्रियां क्या करती हैं? कांपती हैं, यह ध्यान रखिएगा। और अगर स्वर यंत्रियां नहीं कांपेंगी तो क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण हो जाएगा।
थोड़ा सा अघोष वर्ण के बारे में भी बात कर लेते हैं। अघोष वर्ण, इनका उच्चारण करते समय क्या होता है, हमारी स्वरयंत्रियां कांपती नहीं है। स्वरयंत्र मैंने आपको दिखा दिया है पहले ही, एक बार चित्र बना करके मैंने दिखाया था। तो ये देखिए, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं। ये हमारा गला है, गले में हमारे दो नाल है। नीचे वाली नली आपकी आहार नाल है, ऊपर वाली आपकी स्वर नाल है। जब ये ऊपर वाली नली जो स्वरयंत्र है, अगर इससे ध्वनियां निकलते समय कांपेंगी, यह स्वरयंत्र अगर कांपेगा तो वह क्या होगा, घोष वर्ण होगा, और अगर यह नहीं कांपेगा तो क्या होगा, अघोष वर्ण होगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम पहले ही आपको बता दिए हैं वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवां वर्ण अगर अघोष वर्ण है तो पहला और दूसरा क्या होगा, अघोष होगा। तो अगर अघोष वर्णों की बात करें तो वर्गीय व्यंजन का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण यह क्या होता है, अघोष वर्ण होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब हम उष्म व्यंजन की बात कर रहे थे तो उष्म व्यंजन में हमने क्या छोड़ दिया था, ह को हमने किसके अंतर्गत मान लिया था, घोष के अंतर्गत मान लिया था। तो उसमें बचा क्या क्या है, आपका तीनों स बचा हुआ है, तो तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये तीनों ये भी आपके क्या हैं, अघोष वर्ण हैं। और इस तरह से अगर अघोष वर्णों की संख्या पूछी जाए आपसे तो अघोष वर्ण कितने होंगे, 13 होंगे, 5 × 2 = 10 और 3 × 13। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो, ऋषि जी बताइए, परमानंद जी, सुमन जी, नरसिंह जी, सालू जी बताइए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, तो मैं आगे बढ़ूं। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। ध्यान दीजिएगा, अब हम वर्ण भेद पर चर्चा करेंगे। किस पर बात करेंगे, वर्ण भेद। अगर वर्ण भेद की बात करें तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। बात अगर स्वरों की जाए तो स्वर शब्द बना कैसे है, स्वधन अर, संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। तो आप देख सकते हैं यहां आधा व है और आधा व में जब हम अ मिलाएंगे तो ये पूरा अ बन जाएगा। तो स्व का अर्थ होता है अपने आप, जबकि अर का अर्थ होता है उच्चारण। तो स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है। गुड मॉर्निंग मंजू जी। चलिए, तो इसका मतलब स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है। और जब व्यंजनों की हम बात करते हैं तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण, हाँ ये दो प्रकार के होते हैं पंकज जी, स्वर और व्यंजन। हाँ गुड मॉर्निंग विकास जी। तो ध्यान दीजिएगा, व्यंजनों की अगर हम बात करें तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना स्वरों की मदद के हम नहीं कर सकते हैं। स्वरों के अभाव में व्यंजनों का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो अगर स्वर नहीं होते तो व्यंजन नहीं होते, या व्यंजनों का हम उच्चारण ही नहीं कर पाते। तो इसलिए
ये जो व्यंजन वर्ण हैं आपके, इनका अस्तित्व स्वरों के अभाव में पूर्ण रूप से नगण्य होता है। इस वजह से व्यंजनों की स्मिता स्वरों के ऊपर निर्भर करती है। तो अगर हम व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन फिलहाल कई प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में अभी हम आपको आपसे बात करेंगे। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारी हिंदी वर्णमाला में अगर कभी पूछा जाए स्वर कितने हैं तो आपका जवाब होगा 11। सामान्य रूप से जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है हमारे यहां, वो व्यंजनों का वर्गीकरण केवल 3 प्रकार से किया गया है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4 और टोटल संख्या कितनी हो गई? 33। अगर कभी आपसे पूछा जाए व्यंजन कितने होते हैं तो आपका जवाब होगा 33। कहीं कोई कंफ्यूजन? आप लोग संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन ये सब मत जोड़िएगा उसमें। हाँ, मूल रूप से व्यंजन केवल 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, और इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो वास्तव में जो वर्णमाला आपकी है वो केवल ह तक ही है, उसके बाद केवल वर्णों की आवृत्ति हुई है, 2 वर्णों को एक साथ मिला के लिखा गया है या इस तरह से करके लिखा गया है। ठीक है ना? कहीं कोई दिक्कत? तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं हम स्वरों के संदर्भ में। स्वर, तो स्वरों पर बात करने से पहले हम आपको 2-3 चीजें और आपको बता दें। जो हमारी हिंदी वर्णमाला है आप जानते हैं वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और यह देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का परिष्कृत रूप है। किसका परिष्कृत रूप है? ब्राह्मी लिपि का परिष्कृत रूप है। और जो देवनागरी लिपि है हमारी, उसमें अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा 52। 52 वर्ण है हिंदी वर्णमाला में। देखिए, विद्वान अलग अलग तरीके से अलग अलग संख्या निर्धारित किए हैं। कुछ लोग 49 मानते हैं, कुछ 50 मानते हैं, कुछ 51 मानते हैं, कुछ 52 मानते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ज्यादातर लोग 52 मानते हैं और आयोग भी 52 मानता है, और जब तक आप 52 नहीं लिखेंगे तब तक आपको नंबर भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो चीज आप बताएंगे वह आपकी कॉपी चेक करने वाला मानता है कि नहीं मानता है। आयोग बताता है, आयोग के अनुसार आपके यहाँ वर्णों की संख्या 52 है, इसलिए आपको 52 ही लिखना है। तमाम विद्वानों ने अपनी किताबों में वर्णों की संख्या अलग अलग दी है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आयोग 52 मानता है, और इन्हीं 52 वर्णों के बारे में हमें बात करना है। स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके आयोग कितना मानता है? 52 मानता है। तो अब हम बात करेंगे किस पर? स्वरों पर। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां मिलता है, तो उसका जवाब है आपका जयभट्ट के शिलालेख में। कहां मिलता है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग। ये सब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां मिलता है? जयभट्ट के शिलालेख में। कई बार प्रश्न पूछा गया है,
ठीक है। हाँ, आधुनिक लिखित रूप को ही मानक वर्ण कहते हैं। अभी मानक अमानक के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, अभी से क्यों घबराए हुए हैं आप लोग? अभी तो हम पूरी चीज पूरा जो है आपको अच्छे तरीके से इसको समझा करके बात करेंगे। हाँ, जय भट्ट के शिलालेख में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के साथ साथ यूपीएसआई से लेकर के टेट तक की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्नों के आने की संभावना रहती है। तो फिलहाल इतना क्लियर हो गया कि हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का परिष्कृत रूप है, परिष्कृत माने शुद्ध। और देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां मिलता है? जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे यहां स्वरों की बात की जाए तो मैं अब इसी पर चर्चा करूंगा। स्वर, स्वर हमारे यहां हैं कितने? 11। स्वरों की संख्या हमारे यहां कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। और ये हैं कौन कौन से, जरा ध्यान दीजिएगा। अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये 11 आपके स्वरों की संख्या है हिंदी वर्णमाला में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इनके उच्चारण स्थान पर बात कर लें तो अ आ का उच्चारण स्थान है कंठ, ई ई का उच्चारण स्थान है ताल, ऊ ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, री का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ए ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य और ओ औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। ये मूल उच्चारण स्थान है, ध्यान दीजिएगा। और मुझे लगता है आप इसको समझ भी गए हैं। तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हां, अगर हिंदी में मात्रा की बात की जाए तो हिंदी में अ आपका अमात्रिक स्वर है, अ को छोड़ करके सभी की मात्राएं होती हैं। तो हिंदी में मात्रा, ये देखिए, अगर मात्रा की बात करें तो मात्रा हिंदी में कितनी होती हैं? 10 होती हैं। तो ये देखिए आ की मात्रा है, इसके बाद छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, री की मात्रा है, ए की मात्रा है, ऐ की मात्रा है, ओ की मात्रा है और औ की मात्रा है। तो ये सब मात्राएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो मात्राएं कितनी होती हैं इसमें? 10 होती हैं, जबकि स्वर हमारे यहां कितने होते हैं? 11 होते हैं। मुझे लगता है अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, बताइए पंकज जी। बोलिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक महत्वपूर्ण चीज जानिए, यहां पर हम लिख दे रहे हैं नोट, यह बहुत जरूरी है, यह जानना आपके लिए अति आवश्यक है। नोट में अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहां हमारा पहला पॉइंट होगा हिंदी में स्वर कितने हैं, 11। दूसरा पॉइंट आदिकाल, आदिकाल तक हिंदी में स्वर, आदिकाल तक हिंदी में स्वर कितने थे, 9। कौन कौन से स्वर नहीं थे, संयुक्त स्वर नहीं थे, कौन कौन से, अय और औ, इन दोनों स्वरों का विकास नहीं हुआ था, तो ये दो बाद में जुड़े आदिकाल के बाद। आदिकाल तक कोई बात नहीं पूजा जी, आदिकाल तक हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी थी, 9 थी, अय और औ इन दोनों का तब विकास नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या है 10, तो इन्होंने री को स्वर नहीं माना, री को स्वर नहीं मानते, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने री को स्वरों में स्थान नहीं दिया, चलिए लेट होने से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा वीडियो को बाद में देख लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछिएगा। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। अगर पूछा जाए आदिकाल तक हिंदी में स्वर कितने थे, तो 9। कौन कौन से नहीं थे, अय और औ नहीं थे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, 10। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने री को स्वरों में स्थान नहीं दिया है, वो ये कहते हैं कि जो हमारे यहाँ री स्वर है उसका उच्चारण वास्तव में हम इस तरह से करते हैं, तो इस वजह से उन्होंने री को स्वरों में स्थान नहीं दिया। वो ये कहते हैं कि री का उच्चारण वास्तव में व्यंजन की तरह होता है, इसलिए री को स्वर में स्थान देना समीचीन नहीं है। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की मात्राएं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की मात्राएं कितनी है, 10, और इसमें आ को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट जरा देखिएगा, आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए अ को अमात्रिक स्वर कहते हैं। अ को क्या कहते हैं, अमात्रिक स्वर कहते हैं। हाँ, ये सब बहुत जरूरी है जी पंकज जी,
हाँ, अ को क्या कहते हैं? आमात्रिक स्वर कहते हैं। जरा अ के बारे में आप एक एक फैक्ट को क्लियर करते जाइए, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना तो आपने समझ लिया होगा, दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूं। तो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आ के बारे में दूसरा तथ्य जरा देखिएगा। अ पहला स्वर है, इसका मतलब अ से पहले कोई स्वर नहीं आया था, और इस वजह से, इसलिए इसे आदि स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आदि स्वर के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर देखिएगा। अ का उच्चारण जब किसी व्यंजन के साथ किया जाता है, तो का स्वयं का अस्तित्व तो समाप्त तो हो जाता है। और वह व्यंजन को पूर्ण बनाता है। इसीलिए अ को अबोध वर्ण शहीद वर्ण व्यंजक व्यंजन पूरक वर्ण भी कहते हैं। इन नामों से भी इसे जाना जाता है। तो अ को हम अबोध वर्ण भी कहते हैं, शहीद वर्ण भी कहते हैं, और व्यंजन पूरक वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि व्यंजनों को पूरा करते हैं, व्यंजनों के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। शहीद वर्ण इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी व्यंजन को पूर्णता देने के लिए ये अपने आप को क्या कर देते हैं? हाँ, ये शहादत हासिल कर देते हैं, लेते हैं अपने आप। और अबोध वर्ण इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यंजन के साथ मिलने के बाद इनका बोध नहीं होता है। तो ये सब इनके नाम हैं। इसके अलावा अ को अन्य नामों से भी जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं, और इससे पहले मैं इस पॉइंट को अब यहां से रिमूव करूंगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। हाँ, सुमन जी, हाँ पंकज जी, चलिए। किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, बोलिए। चलिए, जब नहीं बोलेंगे तो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, परीक्षा में पूछी जाती हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी लेवल पर प्रश्न आए तो आपको कहीं कोई दिक्कत हो।
ठीक है ना। प्रश्न किसी लेवल पर, अगर सामान्य हिंदी है तो बट नेचुरल सी बात है कि सामान्य हिंदी में वह चाहे जितना कठिन से कठिन प्रश्न पूछे उसका जवाब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हिंदी का नाम ही सामान्य रख दिया गया है तो चाहे जितना कठिन होगा वह रहेगा सामान्य, तो जानना जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको हम क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अ का उच्चारण करते समय मुख न के बराबर खुलता है, इसलिए आपको उदासीन वर्ण भी कहते हैं, बहुत उदासी के साथ इसका उच्चारण करते हैं। इसके अलावा आ का उच्चारण हम अनायास ही कर लेते हैं, बिना प्रयास के भी हम आ का उच्चारण कर लेते हैं, इसलिए इसे अनैच्छिक वर्ण भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अनैच्छिक वर्ण भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स नोट करते जाइए। तो अ का उच्चारण करते समय हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, हाँ, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी आपसे एक और तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में मध्यवर्णी वर्ण किसे कहते हैं, तो मध्यवर्णी भी किसे कहा जाता है, अ को। केंद्रीय वर्ण के नाम से भी अ को जाना जाता है, केंद्रीय वर्ण, केंद्रीय वर्ण भी क्या है आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब ऐसे वर्ण हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए, यूपीएसआई से लेकर के तमाम परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए मध्यवर्णी वर्ण किसे कहा जाता है, तो अ को, केंद्रीय वर्ण किसे कहा जाता है, अ को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अ के बारे में काफी तथ्य यहां पर स्पष्ट किया, और यकीन मानिए अ के बारे में ये सारे प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए अगर ऐसे प्रश्न कभी भी पूछे जाएं तो आप उनका जवाब देने के लिए तत्पर रहिए, और अगर ईश्वर की कृपा रही तो इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, और पूछा जाएगा तो फिर हम आपको अपडेट करते रहेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 11 स्वरों के बारे में पढ़ा, उनके उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा,
और विशेष रूप से आ के बारे में पढ़ा कि यह के कौन कौन से नाम हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है और कैसे हम इनका प्रयोग करते हैं। तो फिलहाल आज हम लोगों ने इन 11 स्वरों के बारे में बात किया है, और अब ध्यान दीजिएगा जब हम अगली क्लास लेंगे तो उसमें हम अयोगवाह के बारे में बात करेंगे और व्यंजनों के बारे में बात करेंगे और व्यंजनों के कितने प्रकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए अब मैं लेना चाहूँगा आपसे विदा, और हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसके आगे परिचर्चा करेंगे। तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और अनंत शुभकामनाएं आप लोगों को कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने उस अभीष्ट लक्ष्य को हासिल करें जिसके लिए आप आकांक्षी हैं और जिसकी अभिलाषा लेकर के आप लगातार पढ़ाई के प्रति कटिबद्ध हैं। तो अब मैं लूँगा आपसे विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।